नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। भारतीय टीम के उपकप्तान रहे अजिंक्य रहाणे की उपकप्तानी छिनने के बाद अब उनके लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना भी मुश्किल हो गया है। खराब फॉर्म के चलते उपकप्तानी से हाथ धोने वाले अजिंक्य रहाणे अब टीम इंडिया में बने रहने के लिए भी उनके ऊपर तलवार लटक रही है। अजिंक्य रहाणे पिछले काफ़ी समय से रनों के लिए जूझ रहे हैं, जिससे उनकी लगातार आलोचना होती आ रही है। साथ ही उनके टीम में चयन को लेकर भी निरंतर सवाल उठते रहे हैं और लोग उन्हें बाहर करने के लिए कह रहे हैं। इसके बावजूद रहाणे को साउथ अफ्रीका दौरे में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया है। साथ ही अब उनके हाथ से उपकप्तानी भी छीन ली गई है। वहीं अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी रहाणे के ऊपर सवाल उठाए हैं, यानी रहाणे को टीम में जगह मिलने पर गौतम गंभीर ने सवाल उठाए हैं। भारत को साउथ अफ्रीका दौरे में 3 टेस्ट खेलने हैं और रहाणे की शुरुआती प्लेइंग 11 में जगह बनना कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शानदार शतक जमाया था और कई प्रशंसकों ने इस युवा बल्लेबाज को रहाणे से पहले प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर का भी मानना है कि रहाणे के लिए शुरुआती लाइनअप में जगह बनाना मुश्किल होगा। गंभीर ने एक शो में बोला, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल होगा। गंभीर ने यह भी कहा कि रहाणे को श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी की इन फॉर्म जोड़ी पर वरीयता दिए जाने की संभावना नहीं है। गंभीर ने आगे कहा, आपके पास श्रेयस अय्यर हैं, कप्तान के लिए अय्यर को बाहर रखना काफ़ी मुश्किल होगा। साथ ही हनुमा विहारी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी पैनल का हिस्सा संजय बांगड़ ने कहा कि अजिंक्य रहाणे का चयन मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अतीत से ज़्यादा प्रदर्शन किया है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि रहाणे को अंतिम प्लेइंग 11 में शामिल होना पूरी तरह से मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।